बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.3 में क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। पॉइंट एक्स वाई जेड एंड डब्ल्यू, हमने एक्स वाई जेड एंड डब्ल्यू वैल्यू फाइंड आउट करना है। हमें क्वेश्चन दिया गया है, 3xy से हमें दिया गया है, इसको हमने फाइंड करना है। तो किस तरह हम करेंगे सोल्यूशन, हम इसके साथ ये 3 जो है ना, इसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, उससे फिर जो है ना हमारे पास ये आ जाएगा, उसके हमने ये फिर हम उसको ऐड करेंगे, इससे फिर हमने इसको कंपेयर करना है और इक्वेशन बना लेना है, उससे हमने एक्स वाई और जेड वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो ये करते हैं, इसके साथ ये मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हमारे पास 3x हो जाएगा, 3y और 3z और 3w हो जाएगा, आई इक्वल टू एक्स प्लस 4 और 6 एक्स प्लस वाई एंड माइनस 1 प्लस 3 प्लस डब्ल्यू, माइनस 1 3 प्लस डब्ल्यू 2 डब्ल्यू प्लस 3, ये हमारे पास आ गया। हमने अब इस इक्वेशन हम इसको कंपेयर करना है और इक्वेशन हमने बना दिया, हमने एक्स प्लस 4 6 प्लस एक्स प्लस वाई माइनस 1 प्लस 3 प्लस डब्ल्यू 2w प्लस 3। अब हमने इससे हमने इक्वेशन पाएंगे मालूम करना है, हम क्या करेंगे, 3x इक्वल टू एक्स प्लस 4, ये हमारे पास इक्वेशन 1 होगा, 3y इज इक्वल टू 6 प्लस एक्स प्लस वाई, ये इक्वेशन 2 हो जाएगा, 3z इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस 3 प्लस डब्ल्यू, ये इक्वेशन 3 हो जाएगा, और ये 3w इज इक्वल टू 2w प्लस 3, ये इक्वेशन 4 हो जाएगा। पहला जो इक्वेशन है इक्वेशन 1, इसको हम करते हैं इक्वेशन 1, तो ये हमारे पास है 3x इज इक्वल टू एक्स प्लस 4, तो हम क्या करेंगे, x को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे बोथ साइड, सब्ट्रैक्ट x ऑन बोथ साइड, तो 3x माइनस एक्स और x माइनस एक्स प्लस 4 हो जाएगा, तो ये हमारे पास ख़त्म हो जाएंगे, और ये से हमारे पास 3 से 1 हम माइनस करेंगे, 2 एक्स इज इक्वल टू 4। अब हम 2 पर ये डिवाइड करेंगे बोथ साइड, 2 पर हमने डिवाइड किया, 2 डबल हमारे पास 2 हो जाएगा, 2 वन ज़ार 2 2 टू ज़ार 4, तो हमारे पास एक्स की वैल्यू आ गई, एक्स हमारे पास 2 आ गए, एस वैल्यू आ गया। अब हमने क्या करना है, एक्स इज इक्वल टू 2, हमने इक्वेशन 2 पुट करना, लेकिन हम ये थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं और उसके बाद हम इसको ये वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। तो हम इक्वेशन 6 यहाँ पर करते हैं, ठीक है, तो इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 हमारे पास है 3y इज इक्वल टू 6 प्लस एक्स प्लस वाई, हमने क्या किया, हमने क्या करना है, हमने इसमें जो है ना वाई को है ना हमने सब्ट्रैक्ट करना है बोथ साइड, सब्ट्रैक्ट वाई ऑन बोथ साइड, 3y माइनस वाई 6x प्लस एक्स प्लस वाई माइनस वाई, तो ये ख़त्म हो जाएगा और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 2y इज इक्वल टू 6 प्लस एक्स। अब हमारे पास ये इक्वेशन बन गया, ए अब हमने इसमें x की वैल्यू हमने पुट करना है, पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन ए, पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन ए, पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन ए, तो यह हमारे पास आ जाएगा 2y इज इक्वल टू 6 प्लस एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है 2y है, तो 6 प्लस 2 हो जाएगा, इसकी जगह हम 2 लिख लेंगे, 2y इज इक्वल टू 8 हो। अब हमने 2 पर बोथ साइड डिवाइड करते हैं, 2 हमारे पास इस पर डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास 2 वन ज़ार 2 2 4 ज़ार 8 हो, y इज इक्वल टू 4 हो, तो हमारे पास y की वैल्यू भी आ गई।
हम अब इक्वेशन नंबर फोर देखेंगे, कोर करेंगे उसके बाद थ्री करेंगे, ठीक है। इक्वेशन फोर हमारे पास है, 3W इज इक्वल टू 2W प्लस 3। तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 2W बोथ साइड, 2W ऑन बोथ साइड, तो 3W माइनस 2W इज इक्वल टू 2W माइनस 2W प्लस 3। तो ये तो हमारे पास ख़त्म हो जाएंगे, और इससे 3 से 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास 1W आ जाएगा, और इज इक्वल टू 3। तो ये हमारे पास W की वैल्यू आ गई। अब हमने क्या करना है, इक्वेशन 3 हमारे पास आ गया, इक्वेशन थ्री हमारे पास आ गया। अब हमने इसमें जो है इसको लिखते हैं, इक्वेशन थ्री, 3Z ऊपर लिखते हैं, ठीक है। 3Z इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस 3 प्लस W। तो ये हमारे पास 3Z इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस 3, 2 आ जाएगा, 2 प्लस W। अब हमने इसमें इसको हम इक्वेशन दे देते हैं, एक नाम इक्वेशन दे देते हैं, इसको हम बी दे देते हैं, ये हमारे पास इक्वेशन बी है। पोटो W इज इक्वल टू 3 एंड इक्वेशन ऑफ बी, पोटो W इज इक्वल टू 3 एन इक्वेशन बी, ठीक है। तो हम इसमें डब्ल्यू की वैल्यू पुट करेंगे, 3Z इज इक्वल टू 2 प्लस हो, और डब्ल्यू हमारे पास क्या है, 3 है, तो 3Z हो इज इक्वल टू 2 प्लस 3 इन पाई पो, बोथ साइड 3 पर डिवाइड करेंगे, तो ये हमारे पास खत्म हो जाएगा, और जेड इज इक्वल टू 5/3 हमारे पास आ जाएगा। तो ये हमारे पास हो जेड की वैल्यू पॉइंट हो गई। तो ये हमारे पास एक्स हो, वाई और डब्ल्यू और जेड हमारे पास हो यहाँ पर पॉइंट हो। हमने क्या किया, हमने पहले 3 इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, इसके साथ हमने 3 मल्टीप्लाई कर दिया, इस इक्वेशन के साथ हमारे पास आ जाएगा 3x और 3y, 3z, 3w हमारे पास आ गया इक्वल टू, इसके साथ हमने इसको ऐड कर दिया, x प्लस 4 हो और 6 प्लस x प्लस y माइनस 1 प्लस 3 प्लस w और 2w प्लस 3। फिर हमने इसको इक्वेशन को हमने इनको हमने कंपेयर कर दिया, कंपेयर करने के बाद हमने 3x प्लस इज इक्वल टू x प्लस 4 इक्वेशन 1, 3y इज इक्वल टू 6 प्लस एक्स प्लस वाई, और 3z इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस 3 प्लस w, 3w इज इक्वल टू 2w प्लस 3। इक्वेशन 1 किया, इक्वेशन 1 हमने क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया एक्स को बोथ साइड, हमने एक्स को सब्ट्रैक्ट कर लिया, तो हमारे पास यहाँ पर 3x माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स, एक्स के साथ एक्स माइनस एक्स प्लस 4 एक्स हमारे पास खत्म हो गया, ये माइनस है ये प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस हो जाता है, तो ये हमारे पास खत्म हो गया, और यहाँ पर हमारे पास 4 रह गया। अब हमने क्या, 3 से एक्स माइनस किया तो हमारे पास 2 आ गया, हम हमने 2 को बोथ साइड डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास एक्स इज इक्वल टू 2 वैल्यू आ गई। हमने इस हमने क्या किया, इक्वेशन 2 से हमने 3y इज इक्वल टू 6 प्लस एक्स प्लस वाई, वाई को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया बोथ साइड, तो हमने जब वाई सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास यहाँ पर 2y आ गई, और ये हमारे पास खत्म हो गई, 6 प्लस एक्स आ गया। अब हमने क्या, इसको इक्वेशन नाम दे दिया ए, और उसके बाद हमने इसमें एक्स की जो वैल्यू है इसमें हमने उसको पुट कर दिया, तो हमारे पास आ गया 2y प्लस 6 प्लस 2, एक्स की वैल्यू हमने पुट कर दी, तो हमारे पास ये हमारे पास 2y इज इक्वल टू 8 आ गया, बोथ साइड हमने 2 पर डिवाइड कर दिया, तो y इज इक्वल टू 4 आ गया। इक्वेशन 4 पर हमने क्या किया, पहले उसके बाद हमने इक्वेशन 4 पॉइंट किया, तो हमारे पास 3w 2w प्लस 3 आ गया, इसको हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया 2w बोथ साइड हो, 2w हमने सब्ट्रैक्ट किया, तो हमारे पास 3w माइनस 2w इज इक्वल टू 2w प्लस माइनस 2w प्लस 3 हमारे पास खत्म हो गया, और हमारे पास रह गया w इज इक्वल टू 3। ये हमारे पास अब हम इक्वेशन 3 करते हैं, तो 3z इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस 3 प्लस w, 3z माइनस 1 प्लस 3 तो हमारे पास 2 आ जाएगा, और प्लस w हमने फिर w की वैल्यू इसमें पुट करी, तो हमारे पास 3z इज इक्वल टू 2 प्लस 3 जो हमारे पास पाया गया, हमने 3 को बहुत सारे डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास z की वैल्यू पॉइंट हो गई। सो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, कोई भी स्टेप आपको समझ आए तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, व्हाट्सअप का नंबर मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, तो व्हाट्सअप पर भी आप पूछ सकते हैं। वीडियो को अगर लाइक नहीं की तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर आप नए हो या फेसबुक पेज पर हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज पर फॉलो करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।